गूगल प्ले बीटा नहीं, गूगल प्ले स्टोर जो कि हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, वो का वही पूरा का पूरा आप यूज़ कर सकते हो आपके पीसी देखो में। ये चीज़ तो मेरी पीसी में वर्क नहीं किया क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ को रूट करके चलाता हूँ, इसलिए मेरे इसमें तो फाइल ही एक्सट्रैक्ट नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके इसमें ये चीज़ काम कर जाए, उसके बाद मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इसमें फ्री फायर कैसे खेल सकते हो। देखो मैं बताऊंगा, मैं करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं सिर्फ बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे इसमें भी ये चीज़ वर्क नहीं करी, मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट ही नहीं हुई। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे इसमें नहीं हुआ तो आपके इसमें भी नहीं होगा, आपके इसमें हो सकता है। और गूगल प्ले स्टोर है यानी कि मोबाइल वर्जन है, ठीक है? तो मोबाइल वर्जन में आपको यह इसमें मैच मेकिंग भी फिक्स हो जाएगी आपकी, और वो आपको देखना है कि आपके रियल आईडी पे आप ट्राई करते हो या फिर फेक आईडी पे ट्राई करते हो, और स्प्रिंट बटन भी ठीक हो जाएगी। देखो अब मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ कि फेक आईडी पे ट्राई करना आपको, क्योंकि मोबाइल के गेम को आप पीसी में खेल रहे हो और वो भी मोबाइल के ही प्ले स्टोर से, तो आपकी आईडी को थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2-4 दिन आप इस चीज को ट्राई करना फेक आईडी में, उसके बाद आपको इसको ऑफिशियल आईडी में यूज करना। अगर आपकी 2-4 दिन में आपकी फेक आईडी बैन नहीं होती है तो फिर आप आपकी मेन आईडी में यूज कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ इस चीज को करना कैसे है। पहले हम इसमें फ्री फायर डाउनलोड करने की ट्रिक बताएंगे और फिर उसके बाद हम उसमें खेलना कैसे यानी की मैपिंग कैसे करनी है उस चीज की बताएंगे। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो आपका मोबाइल का प्ले स्टोर रहता है, ठीक है, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। तो देखो उसमें जो जितने मतलब मोबाइल का प्ले स्टोर डाउनलोड करें मतलब जितने भी मोबाइल के गेम है सारे के सारे ही आपको उसमें मिल जाएंगे, चाहे वो आपका फ्री फायर मैक्स हो, UGW हो या फिर फ्री फायर इंडिया, कुछ भी हो। आप लोगों के लिए मैंने ये चीज़ बहुत बार ट्राई करी थी, मतलब एक नहीं कम से कम 10 बार मैंने अलग अलग तरह की 10 ही फाइल डाउनलोड करी। लेकिन अगर आपके इसमें ये एक बार में नहीं होता है तो आपको बार बार इंटरनेट खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैंने देखो इसको कितनी बार कोशिश करी थी लेकिन मेरा ये फाइल एक्सट्रैक्ट ही नहीं हुई। जब मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ तो देखो मेरे सामने ऐसा इरर आ जाता है, और इस इरर का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, और इस इरर को आप फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फाइल ही एक्सट्रैक्ट नहीं होती है। जब फाइल अगर अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो वो इरर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो चलो आपके इसमें अगर ये इरर देखने को नहीं मिलता है तो आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है वो बता देता हूँ। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यूट्यूब पर जाना है और वहाँ पर लिखना है WSA Bulls, ठीक है? WSA Bulls ऐसे लिखने के बाद आपको जितनी भी वीडियो जोन सी भी आपको लैंग्वेज में देखनी है वो देख लेना। इनमें सब में वही ट्रिक बताएंगे जो कि आपको प्ले स्टोर को यूज करना है। इनमें से किसी भी वीडियो को आप देख लेना तो उस चीज से आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें फ्री फायर इंस्टॉल कैसे करना है और उसकी की मैपिंग करनी है वो मैं बता देता हूँ। अब आप उन लोगों की वीडियो देखकर तो आप उनको इमुलेटर को डाउनलोड कर लोगे, और मान लो कि आपका इंस्टॉल हो गया तो आपको इसके बाद क्या करना है, पांडा माउस को डाउनलोड करना है इसमें। चलो आप पांडा माउस इसमें पेड है, तो अगर आपका पांडा माउस नहीं होता है तो इसके अलावा भी और कोई से भी बहुत ज्यादा जो इमुलेटर रहते हैं फ्री वाले जो भी की मैपिंग के रहते हैं जो कि एंड्रॉइड के लिए यूज होते हैं, उसको आपको उस ऐप के अंदर से डाउनलोड करना है, ठीक है? जो आप ऐप उस मैंने बताया यूट्यूब पर आपको WSA Bulls सर्च करना पड़ेगा, तो उसके अंदर से आपको डाउनलोड WSA Bulls यानी कि आप कोई भी ट्रिक लगाकर आप यूज करोगे उसको WSA Bulls से ही आपका प्ले स्टोर डाउनलोड होगा आपके पीसी में। अब यहाँ पांडा माउस को तो परचेज करना पड़ता है, लेकिन जो परचेज नहीं कर सकते वो ये ऑक्टोपस वाला की मैपिंग यूज कर सकते हो या फिर और कोई सा भी की मैपिंग जो भी आप जानते हो प्ले स्टोर पर जो कि फ्री है वो वाला भी आप यूज कर सकते हो। आप लोग अब तो समझ गए होंगे आपको कैसे करना है, ठीक है? तो आपको इसके लिए मैं सबसे पहले बता दूं, आपके इसके लिए WSA Bulls को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि मैंने यूट्यूब का वीडियो बताया, आपको यूट्यूब पर जाकर आपको सर्च करके आपको कर लेना है। फिर उसके बाद आपको कोई सा भी की मैपिंग डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद आपको इस चीज को फेक आईडी में ट्राई करना है, रियल आईडी में ट्राई मत करना, वहीं का वहीं गेस्ट आईडी बना लेना और उसी में ट्राई कर लेना, क्योंकि ये चीज मेरे पीसी में चली नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता कि ये 101% सेफ है या नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फेक आईडी में ट्राई करना। अगर आपका किसी का आईडी उससे बैन होता है तो आप कमेंट में बता देना कि हाँ किसी का आईडी बैन हुआ है, तो हम इस चीज को बता देंगे भाई ये चीज ट्राई मत करना। लेकिन फिलहाल आज के वीडियो में बस नहीं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।